खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। छतरपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला न्यायालय छतरपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा के निर्देशन में न्यायाधीश गणों एवं अधिवक्ता सहित न्यायालय स्टाफ के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत न्यायालय परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की गई। साथ ही न्यायाधीशों एवं स्टाफ ने हाथों में ग्लव्स पहनकर परिसर में लगी गाजर घास एवं मैदान में लगी घास को उखाड़कर जगह जगह फैली गंदगी की। न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं एवं स्टाफ ने साफ सफाई की। इसके साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MD रजक लोगों को साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हमें साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा वातावरण से हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशन में एवं MD रजक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निरीक्षण में न्यायालय परिसर में स्वच्छता की कार्यवाही की गई और अधिवक्ताओं स्टाफ सहित एवं न्यायाधीश गणों सहित न्यायालय में सफाई का बीड़ा उठाया गया है और पूरे न्यायालय परिसर को आगे भी स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर छतरपुर नगर पालिका के CMO अरुण पटेरिया ने कहा कि पूरे भारत में स्वच्छता अभियान के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में न्यायालय में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता कार्यवाही की गई। इस अवसर पर ADJ हर्ष भदौरिया, ADJ सोहेब खान, ADJ संजय जैन, कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश RK गुप्ता, DJ नौरीन निगम, ADJ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत निगम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MD रजक, मजिस्ट्रेट पवन संखवार, मजिस्ट्रेट चेतना पालीवाल, संघ उपाध्यक्ष आलोक, एडवोकेट विवेक प्रताप सिंह, समाजसेवी DD तिवारी, समाजसेवी शंकर सोनी, रमाकांत श्रीवास्तव, पूरन आनंद, खलील खान, भवानी यादव सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता एवं स्टाफ मौजूद रहा। सर, सर प्लीज। ये आप भी एक हमारे भारत के नागरिक हैं और आपको ये पता होगा कि ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी शुरुआत अपने ज़िले में बहुत पहले हो चुकी। आज न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में और CGM साहब के नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी हमारे समाजसेवी संगठन, हमारी बार काउंसिल, हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारे DD तिवारी की संस्था और आप पत्रकार बंधु इसमें शामिल होकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सबका भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार न्यायालय स्वच्छ अभियान के तहत आज हमारे जिला न्यायालय परिसर का हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के देखरेख में तथा हमारे छतरपुर के चहेते CMO श्री पटेरिया जी के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम के सहित, समाज सेवियों के सहित, अधिवक्ताओं सहित, न्यायालय के सारे कर्मचारियों एवं न्यायाधीश गणों सहित न्यायालय प्रांगण को पूरी तरह से साफ स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है और सभी लोगों ने स्वयं परिश्रम करके न्यायालय को साफ करने का कार्य किया है तथा भविष्य में भी हम लोग इसी प्रकार की साफ सफाई न्यायालय प्रांगण की करते रहेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर सभी अधिकारियों का, न्यायाधीशगणों का, कर्मचारियों का, अधिवक्ताओं का तथा नगर पालिकाओं का सहयोग मिलता रहेगा। खबर समय जगत के लिए छतरपुर से वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।